नमस्कार दोस्तों, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आपका स्वागत है। आज मैं जहां हूं अरावली की पहाड़ियों पर स्थित एक ऐसी जगह जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं जिसके बारे में, और लोग शायद इतना अवेयर भी नहीं है दिल्ली और उसके आसपास के जो लोग हैं, लेकिन जो लोकल हैं उनमें इस जगह की काफी मान्यता है। मैं इस वक्त हूँ पहाड़ों के बीच में। आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक प्राचीन मंदिर है बाबा मोहन राम का। अप्रोक्सीमेटली 350 साल पुराना मंदिर है भिवाड़ी में। आइए आज आपको इसके दर्शन कराते हैं। मैं हूं इस समय बाबा मोहन राम के मंदिर में। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर अप्रोक्सीमेटली 350 साल पुराना है। प्राचीन काल का मंदिर है। लोकल मान्यता काफी है, लेकिन बाहर अगर आप ये कहें फेमस है जैसे वैष्णो देवी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। 350 साल पुराना यह मंदिर है अरावली की पहाड़ियों पर स्थित भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउन के बीच में। लोकल्स की काफी मान्यता है इस मंदिर में, और काफी बड़ा राखी और होली के टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ा समागम या बहुत बड़ा यहाँ पे फेस्टिवल होता है, बट बाकी दिनों में ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 100 सीढ़ियों की चढ़ाई है इस मंदिर की। ऐसा कोई भव्य मंदिर नहीं है, लेकिन आस्था और पुराना लोकल लोगों की आस्था और जो रिटर्न आर्टिफैक्ट है, अप्रोक्सीमेटली 350 साल पुराना ये मंदिर है। और ये ज्योति जो है ये तब से चलती आ रही है। यहाँ पे मान्यता है कि ये 700 सालों से ये ज्योति चल रही है, और आज भी रौनक। देखने का एक जगह है, एक बार आप आइए देखिए। बाबा मोहन राम जी का भिवाड़ी के अंदर उतना ही नाम है या लोगों की उतनी ही आस्था है जैसा कि बाकी देवी देवताओं की है हमारे धर्म में। ये उनका एक विशाल मंदिर है भिवाड़ी के अंदर ही, जो अभी हमने देखा उसी का ही दूसरा रूप, या जब भक्तों की श्रद्धा आस्था पूरी हुई उन्होंने अपना एक उन्हीं का एक मंदिर दूसरा बनाया। ये वो वगा मंदिर का परिसर है। पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो काम आए। धन्यवाद।